डीसी मोटर। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है डीसी मोटर। मोटर्स को हम लोग अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि मोटर बाइक्स हैं, कार्स वगैरह हैं, इसके अलावा आप अपने घरों में भी मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। मोटर्स की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं। बाज़ मोटर्स ऐसी होती हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलती हैं और बाज़ मोटर्स ऐसी होती हैं जो कि डीसी करंट के ऊपर चलती हैं। इसलिए हम लोग उन्हें कह देते हैं कि ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है, और अगर कोई मोटर ऐसी है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलती है, उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करता है, तो हम कह देते हैं कि ये वाली जो मोटर है ये हमारे पास एसी मोटर है। अब डीसी के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि डीसी एक ऐसा करंट होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट जो थ्रू आउट द प्रोसेस एक ही डायरेक्शन के साथ फ्लो करता चला जाता है। और डीसी मोटर जाहिर सी बात है एक ऐसी मोटर होगी जो कि डीसी करंट फ्लो करने देती है अपने अंदर से। अब मोटर बेसिकली काम क्या करती है? मोटर ने क्या करना है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमसे लेती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लेती है, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी कह सकते हैं आप उसे। यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी से मिलती है और ये दोनों एनर्जी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम कर देती है। देखा जाए तो मोटर और जनरेटर आपस में रिवर्स काम करते हैं। आपने देखा था कि जनरेटर में क्या होता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और मैग्नेटिक एनर्जी देते हैं, उसके रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जिससे हमें करंट इंडक्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और मैकेनिकल जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी हमें फ्राहम करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो ये जो मोटर है ये जनरेटर से रिवर्स काम करती है। और ये सारा का सारा रिएक्शन होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि हम क्या करते हैं कि हम बैटरी को जो है वो कॉइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और कॉइल जो है रोटेट करती है, और रोटेट कैसे करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, जिसकी वजह से कॉइल की रोटेशन होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी से मिल रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड की होती है, तो एज अ रिजल्ट हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। होता क्या है कि जाहिर सी बात है ये एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है जो कि मैग्नेट्स की पोल हम इसके दरमियान इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको मालूम है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाती हैं, और उनके दरमियान जो ये कॉयल है पूरी की पूरी रोटेट करती है, और यहाँ पर हमने इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम की हुई है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है यहाँ पर, और इन दोनों के नतीजे में ये कॉयल रोटेट करती है जब, तो ये शॉक के थ्रू हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मैसर आ जाती है, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को गेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि इसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक आर्मेचर कॉयल होती है। उस आर्मेचर पे हम लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर लपेटा होता है, जैसे कि अभी तक आप डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के अंदर देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग आर्मेचर को बनाते हैं। एक सॉफ्ट सा आयरन सिलेंडर होता है जिसके ऊपर हम लोगों ने ये कॉपर की रेजिस्टिव वायर को इस तरीके से वाउंड किया होता है, और इसे पूरे के पूरे कम्पैक्ट मटीरियल बना देते हैं, और ये चीज़ कहलाती है आर्मेचर। हम लोगों ने एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में इस कॉयल को इस्तेमाल किया था, सिमिलरली वही आर्मेचर कॉयल हम लोग यहाँ पर डीसी मोटर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हमारे पास कॉयल होती है आर्मेचर कॉयल, इसे हम लोगों ने यहाँ पर डीसी मोटर के अंदर एक शाफ्ट लगा होता है जिसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेट के दो पोल्स भी इस्तेमाल किए जो कि कॉन्केव शेप के होते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, इन दोनों पोल्स को हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जो है इनके थ्रू यहाँ पर इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस की जा सके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कम्यूटेटर इस्तेमाल करते हैं। कम्यूटेटर बेसिकली होता क्या है कि ये जो है हमारे कॉपर का एक रिंग होता है जो कि दरमियान से स्प्लिट किया होता है, इसे दो रिंग्स में स्प्लिट कर देते हैं C1 और C2। जो ये कम्यूटेटर है ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी कॉयल है ये इस तरीके से इस पूरे के पूरे दो पोल्स के दरमियान, मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान इजीली घूम जाती है। ये पूरा का पूरा जो हमारा अपैरेटस है ये इसके दरमियान घूम जाता है, क्योंकि हमारा ये जो आर्मेचर कॉयल है शाफ्ट के ऊपर लपेटी हुई है, हमने इसको शाफ्ट के ऊपर जो है इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे स्प्लिट रिंग है जिन्हें हम कम्यूटेटर कह रहे हैं वो भी यहाँ पर इस शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड है। अब जो स्प्लिट रिंग के साथ हम लोगों ने कार्बन ब्रशेस यूज़ किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि हम लोगों ने कार्बन ब्रशेस यूज़ किए हैं। इन कार्बन ब्रशेस को हम क्या करते हैं कि वायर्स के थ्रू सोर्स के साथ कनेक्टेड कर देते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि ये हमारी डीसी मोटर है। क्यों डीसी मोटर है? क्योंकि हम लोगों ने कार्बन ब्रशेस को जो कनेक्शन प्रोवाइड किया है वो डीसी सोर्स है। अगर हम उसे एसी सोर्स प्रोवाइड करते तो वो हमारा एसी मोटर बन जानी थी, लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग चूंकि डायरेक्ट करंट दे रहे हैं तो ये जो मोटर है ये डीसी मोटर बन जाती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसे डायरेक्ट करंट सोर्स से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है,
साथ ही साथ हम लोगों ने मैग्नेट्स के पोल्स के दरमियान इन्हें रखा है, जो कि कनकेव शेप के पोल्स हैं, उनके दरमियान ये जो कॉयल है पूरी की पूरी रोटेट कर जाती है। कॉयल की रोटेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से पॉसिबल होती है, और जैसे ही कॉयल रोटेट कर जाती है तो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों को यूज़ करके ये जो मोटर है हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि इस एनिमेशन में ये पूरी की पूरी रोटेट कर जाती है। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता ये है कि जो कॉइल है ये हमारे पास इस तरीके से पड़ी हुई है पैरेलल वे में इन मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान। हम लोग जैसे ही इन्हें कनेक्शन दे देते हैं, मतलब बैटरी के साथ ये कनेक्ट हो गई है, तो अब इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे करंट फ्लो करता है तो सबसे पहले कंडीशन क्या आती है कि हमारी जो कॉइल्स हैं ये अभी तो इनके दरमियान जो है करंट फ्लो करना शुरू हो गया, चूँकि बैटरी तो अब की बार हम लोगों ने खुद दी है ना। AC जनरेटर की बात हुई थी या DC जनरेटर की बात हुई थी, तो उसमें जैसे ही परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाती थी, अपनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि इसका फ्लक्स चेंज होता था। तो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इसके अंदर जो है करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि करंट इंड्यूस नहीं कराना, बल्कि करंट खुद प्रोवाइड करना है ताकि हमें मैकेनिकल एनर्जी मिले। तो हम लोगों ने क्या है, कनेक्शन इसे प्रोवाइड कर दिया है। अब जैसे ही कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, सर्किट कंप्लीट है, तो क्या होता है कि हमारी ये जो कॉइल रोटेट करती है, और कॉइल रोटेट करते हुए इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करती है और 90 के एंगल पर आ जाती है। जैसे ही ये 90 के एंगल पर आती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ये जो कार्बन ब्रशेस हैं इनके साथ इन स्प्लिट रिंग का कनेक्शन जो है लूज हो जाता है। हमारी ये जो कॉइल है इन स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होती है, और ये स्प्लिट रिंग इन कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच होते हैं। तो जैसे ही इनके साथ कनेक्शन लूज़ होता है, हमारी इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो करना है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन कॉइल क्या करती है, कॉइल अपने अंदर मौजूद मोमेंटम और इनर्शिया की वजह से जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। जैसे ये कॉइल जो है आगे की तरफ मूव कर जाती है, तो होता यह है कि ये कॉइल जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये कॉइल आगे की तरफ मूव कर दी। ये कॉइल जब मूव करती है तो इसे हम नहीं मूव कराते, बल्कि जैसे इसका कनेक्शन खत्म होता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है, तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है, करंट की स्टॉपेज हो जाती है, करंट जो है कॉइल के अंदर से फ्लो नहीं करता। लेकिन कॉइल क्या करती है, रुकने की बजाय, चूँकि उसके अंदर पहले करंट जा रहा होता है और इनर्शिया मोमेंटम की वजह से दोबारा पैरेलल कंडीशन में आ जाती है। जैसे ही पैरेलल कंडीशन में आती है, यानी कि 180 के एंगल पर आती है, तो दोबारा इसके अंदर जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब दोबारा जो हमारे स्प्लिट रिंग है वो अपना कनेक्शन लूज़ कर देते हैं, जैसे ही हमारी कॉइल जो है रोटेट करती है 270 के एंगल पर, दोबारा कनेक्शन लूज़ हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, मोमेंटम और इनर्शिया की वजह से ये मज़ीद आगे प्रोसीड करती है। तो इस तरीके से ये दोबारा कनेक्शन हो जाता है, और इस तरीके से हमारी कॉइल जो है रोटेट करती चली जाती है। अब ये प्रोसेस तो चलता रहता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर चूँकि टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क किस तरह प्रोड्यूस होता है कि हमारी जो कॉइल है वो ऑपोजिट साइड पे उस पर फोर्स लगती है, दो फोर्सेस ऑपोजिट साइड पे लगती हैं जो कि कुल मैग्नीट्यूड की होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे आर्मेचर कॉइल यूज़ की। आपको मालूम है कि आर्मेचर कॉइल जो है एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पे कंसिस्ट होती है, हर कॉइल का कोई ना कोई जो है कपल होता है, यानी कि उसकी वजह से कोई ना कोई टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे आर्मेचर कॉइल में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस मोटर के जरिए हमें मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम कपल प्रोवाइड होगा, हम मैक्सिमम जो है उससे कपल अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो कपल है, मैक्सिमम कपल की क्वांटिटी कहाँ पर मिलती है, एक 0 पॉइंट पर मिलती है और दूसरी 180 पर मिलती है। यहाँ पर हमें कपल की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है 90 पर, और 270 के ऊपर हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो जैसे कि हम लोगों ने एनिमेशन में देखा था कि इस तरह के कनकेव शेप के जो पोल्स हैं वो इसका मान के थे, जो कि नॉर्थ और साउथ थे, इनके दरमियान हम लोगों ने क्या किया था कि आर्मेचर कॉइल को यूज़ किया था। यह आर्मेचर कॉइल किस तरीके की थी, ये शाफ्ट के ऊपर माउंटेड थी, यानी कि शाफ्ट के ऊपर लपेटी हुई थी। जैसे कि आपने एनिमेशन और इस इमेज में देखा है कि ये हमारा शाफ्ट था, जिसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हमारे पास आर्मेचर कॉइल थी। आर्मेचर कॉइल के बारे में भी आपको मालूम है कि सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर कॉपर की रेजिस्टिव वायर को वॉन्ड किया होता है, लपेटा होता है, और एक कम्पैक्ट से वायर बना जो है मटेरियल बना के इसको दोनों तरफ प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे कम्यूटेटर को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बेसिकली आपके पास उतना ही ज़्यादा कपर जो है वो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, चूँकि हर कॉइल के दोनों साइड्स पे डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं जो कि कपल प्रोड्यूस करेंगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट मूवमेंट आ जाएगा कपल का, वो बेसिकली टॉर्क कहलाएगा, तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क भी आ सकता है। और आपको ये भी मालूम है कि इन स्प्लिट रिंग के साथ आपने कार्बन ब्रशेस लगा के यहाँ पे DC सोर्स के साथ कनेक्टेड कर दिया है। जैसे कि हम लोगों ने जब 13 चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम लोगों ने AC सोर्स इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरह का साइन दे देते हैं, और अगर हम लोगों ने DC सोर्स इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरीके का साइन दे देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम लोगों ने ये DC का साइन दे दिया। तो इस DC करंट को इस्तेमाल करते हुए
और इस एनर्जी को, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इस तरीके से इस मैग्नेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों ही एनर्जी की बदौलत जो है हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर ये जो है हमारे पास मोटर है, डीसी मोटर, ये हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देती है जिसे हम मुख्तलिफ काम इस्तेमाल करने के लिए, मुख्तलिफ जो है ऑपरेटर्स वगैरह चलाने के लिए मुख्तलिफ अप्लाइंसिस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ इसके ऊपर काम करती हैं, हमारी कोई भी व्हीकल है वो डीसी सोर्स पे चलती है, हो सकता है एसी सोर्स पे भी चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डीसी सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, डीसी सोर्स के ऊपर चलती हैं। इसके अलावा घरों में पानी की मोटर्स जो हैं वो भी डीसी सोर्स की वजह से जो है चलती हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ जो है डीसी मोटर के बारे में था कि डीसी मोटर किस तरीके से काम करती है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है और किस तरीके का जो है करंट इस्तेमाल करते हुए हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है।